ये हमने एक और किट बनाई है जिसमें हमने ट्रांजिस्टर्स की हेल्प से एक लॉजिकल गेट को इम्प्लीमेंट किया है जो कि एज ए नॉर गेट वर्क कर रहा है। ये हमारे गेट्स की सीरीज में एक नया डिजिटल गेट्स की सीरीज में एक और किट है जिसमें हमने सारे गेट्स को इम्प्लीमेंट किया है। आप दूसरे वीडियो में भी देख सकते हैं, हमने एंड गेट, और गेट, नॉट गेट, नैंड गेट, वो सारे इम्प्लीमेंट किए हैं। तो ये हमारी सर्किट नॉर गेट के लिए बनी है। और इस वीडियो लेक्चर में हम गेट्स के बारे में सीखेंगे, नॉर गेट कैसे वर्क करता है, और इसके अलावा ट्रांजिस्टर्स का यूज़ करके इस गेट को कैसे इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, और साथ में जो भी कंपोनेंट्स इसमें यूज्ड हैं जैसे ये रेजिस्टेंस, एलईडी, ट्रांजिस्टर्स, बैटरी, स्विचेस, ये इन सब के बारे में भी हम डिस्कस करेंगे। और इसके अलावा जो टूल्स जैसे मल्टीमीटर की रिक्वायरमेंट होती है कंपोनेंट्स को टेस्ट करने के लिए, तो सारे कंपोनेंट्स कैसे टेस्ट किए जाते हैं मल्टीमीटर की हेल्प से, वो चीज़ भी हम इसमें डिस्कस करेंगे। और ये इस किट को कंप्लीट बनाने के लिए आप हमारे ऑर्डर कर सकते हैं, और उसमें आपको एक ये वीडियो लेक्चर भी मिलेगा, और साथ में ये सारे कंपोनेंट्स जो इस सर्किट बोर्ड पे आपको दिख रहे हैं, ये पेपर सर्किट है एक्चुअली, तो पेपर सर्किट पे जितने भी कंपोनेंट्स दिख रहे हैं आपको लगे हुए वो सारे मिलेंगे। इसके अलावा पेपर लेआउट भी मिलेगा जिसकी हेल्प से आप अपने सर्किट को ईजिली बना सकते हैं। और इसके अलावा एक और वीडियो दिया जाएगा जिसमें हमने ये डिस्कस किया है कि कोई भी पेपर सर्किट हम कैसे ईजिली बना सकते हैं बिना किसी स्पेशल टूल्स के रिक्वायरमेंट के, तो वो चीज़ भी आप उस वीडियो में देख लेंगे तो ही आप इस सर्किट को बनाएंगे जिससे आप इजीली बना सकते हैं। इसमें आपको सारे कंपोनेंट्स और साथ में कुछ मैनुअल्स भी मिलेंगे, उन मैनुअल्स को आप एक बार डिटेल स्टडी कर लेंगे उनकी, और सारे कंपोनेंट्स को आइडेंटिफाई कर लेंगे पहले कि जो भी कंपोनेंट आपके रिक्वायर्ड हैं वो सारे आपकी किट में हैं कि नहीं। उसके लिए एक लिस्ट मिलेगी, लिस्ट से आप मैच करा सकते हैं कि सारे कंपोनेंट्स आपके पास हैं कि नहीं, और उस लिस्ट में आप ये भी देखेंगे कि कंपोनेंट्स कैसे आपको पहचानने हैं, और साथ में उनको कैसे हमें डिटेल में उन्हें जानना है कि कैसे उनको टेस्ट करते हैं या क्या प्रिकॉशन रखना है हमें कंपोनेंट को यूज़ करते समय, उससे भी आप एक बार देख लेंगे। फॉर एग्जांपल यहाँ पे एक लिस्ट है, तो इस लिस्ट में आप देख सकते हैं कंपोनेंट नेम, क्वांटिटी, इमेज, यानी इमेज से आप कंपोनेंट्स को इजीली पहचान सकते हैं, और यहाँ पे लिखा भी हुआ आइडेंटिफिकेशन, साथ में टेस्टिंग ऑफ कंपोनेंट, कैसे हमें टेस्ट करना है इस कंपोनेंट को, अगर कोई प्रॉब्लम है तो कैसे हम चेक कर सकते हैं, इसके अलावा क्या प्रिकॉशन रखना है इस पार्टिकुलर कंपोनेंट को हैंडल करते समय, वो चीज़ भी यहाँ लिखी हुई है। तो उसमें सारे कंपोनेंट्स के बारे में हम देख सकते हैं। इसके अलावा उसके सिंबल भी है, जैसे V1 यहाँ पे S1 लिखा हुआ है, Q1, Q2, तो ये क्या है, आप जैसे आप सर्किट में अगर यहाँ पर आप देखेंगे रेजिस्टेंस R3, तो यहाँ पर आपको समझ में नहीं आएगा कि R3 की क्या वैल्यू है, तो वो आप इसमें देख के पहचान सकते हैं कि जो R3 है उसकी क्या वैल्यू है, और तो उससे आप अपनी सर्किट को कंप्लीट कर सकते हैं। सबसे पहले हम कंपोनेंट्स के बारे में डिस्कस कर लें कि कंपोनेंट्स कैसे वर्क कर रहे हैं, देन हम इस सर्किट को डिस्कस करेंगे, उसके बाद कंप्लीट वर्किंग देखेंगे कि हमारी सर्किट कैसे वर्क कर रही है। इसमें जो कंपोनेंट्स यूज हुए हैं उसमें सबसे मेन कंपोनेंट है हमारा वो ट्रांजिस्टर है। ट्रांजिस्टर एक 3 टर्मिनल डिवाइस होती है, यहाँ पे आप देख सकते हैं 2 ट्रांजिस्टर्स Q1 एंड Q2 लगे हैं। तो ट्रांजिस्टर्स का काम एज ए स्विच, यहाँ पे हम ट्रांजिस्टर्स को एज ए स्विच वर्क यूज कर रहे हैं। स्विचिंग का मतलब होता है कि हम किसी भी पॉइंट को कनेक्ट या डिसकनेक्ट करते हैं। तो ट्रांजिस्टर के 3 टर्मिनल होते हैं, और इसको भी आप कंपोनेंट लिस्ट अगर देखेंगे तो उसमें ये चीज़ दिया हुआ है कि ट्रांजिस्टर्स के कौन कौन से लेग किस साइड होते हैं। तो तीनों टर्मिनल में एक टर्मिनल होता है एमीटर, दूसरा बेस और तीसरा कलेक्टर, ये इनको एमीटर, बेस और कलेक्टर के नाम से जाना जाता है। तो इस ट्रांजिस्टर को अगर आप देखेंगे तो आप अपने फ्रंट यानी अपने साइड इसको अगर हम रखेंगे और इस पे ये जो लिखा हुआ है वो आपकी साइड होना चाहिए, तो लेफ्ट साइड से अगर हम काउंट करेंगे तो ये पिन नंबर 1 है, ये 2 है और ये 3 है। तो पिन नंबर 1 जो है वो कलेक्टर होता है, ये बेस है और ये एमीटर है। तो कलेक्टर, बेस, एमीटर, ये तीनों एक साथ काम करते हैं ट्रांजिस्टर के। इसमें जो इनपुट होता है वो बेस पे दिया जाता है, और जो आउटपुट होता है वो उसमें क्या होता है कि जो कलेक्टर और एमीटर होता है वो दोनों टर्मिनल आपस में शॉर्ट हो जाते हैं अगर हमने बेस पे कोई
सिग्नल दिया, यानी कोई भी थोड़ी सी भी करंट अगर बेस करंट फ्लो करती है तो कलेक्टर एमिटर ऑलमोस्ट शॉर्ट सर्किट हो जाते हैं। तो सिंबल के फॉर्म में आप देख सकते हैं, हमने ट्रांजिस्टर को यहाँ दिखाया है, इसमें ये जो सर्किल बना है ये ट्रांजिस्टर के लिए बनाया जाता है, और इसमें ये कलेक्टर है, ये एमिटर है, ये बेस है। एमिटर कलेक्टर को आप कैसे डिफरेंशिएट करेंगे, इसके लिए यहाँ पे एक एरो बना होता है, एरो अगर आप देखेंगे तो एरो इंडिकेट करता है एमिटर को, और जिसमें एरो नहीं बना है वह कलेक्टर है। और एरो का डायरेक्शन बाहर की तरफ भी हो सकता है, अंदर की तरफ भी हो सकता है, यानी अंदर की तरफ एरो है तो वो पीएनपी ट्रांजिस्टर है, और बाहर की तरफ एरो है तो एनपीएन ट्रांजिस्टर है। यहाँ पे हम एनपीएन ट्रांजिस्टर यूज कर रहे हैं। बेसिकली जो वर्किंग जो लॉजिकल वर्किंग डिफरेंस कुछ भी नहीं होता है एनपीएन पीएनपी में, लेकिन जो डायरेक्शन ऑफ करंट होता है वो चेंज हो जाता है। तो यहाँ पे हम एनपीएन ट्रांजिस्टर से ही हमारा काम हो जाएगा, तो पीएनपी की हमें ज़रूरत नहीं है, तो इसलिए हमने दो एनपीएन ट्रांजिस्टर्स लगाए हैं। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो करंट आ रही है दोनों के बेस पे आ रही है, यानी जो बीच वाला टर्मिनल है वो बेस है, तो बेस पे जैसे करंट आती है तो इसका कलेक्टर और एमिटर कनेक्ट हो जाता है, इसके बेस पे करंट आती है तो इसका कलेक्टर और एमिटर शॉर्ट हो जाता है। इसके अलावा जो बाकी कॉम्पोनेंट्स हैं हमारे, वो उनमें एक बैटरी है जो पावर सोर्स है, यानी इस बैटरी से हमें पावर अप करना है अपने डिवाइस को। तो ये 9 वोल्ट की बैटरी है जो आपको कहीं भी अवेलेबल हो जाएगा, और 9 वोल्ट की बैटरी को लगाते समय आप देखेंगे कैप से हमने लगाया, तो कैप में कनेक्ट कर लेंगे, और इसका जो ब्लैक वाला टर्मिनल है वो माइनस साइन पे जाना चाहिए और रेड वाला पॉजिटिव पे जाना चाहिए, यानी जो बेसिकली जो रेड वाला है वो उसका कनेक्शन इस साइड रहेगा और ब्लैक वाले का कनेक्शन इस साइड रहेगा। इसके अलावा जो दूसरा कंपोनेंट है हमारा वो स्विच है। तो पहले अगर हम मल्टीमीटर से चेक करना चाहें किसी भी कंपोनेंट को, फॉर एग्जांपल अगर हमें बैटरी चेक करनी है तो बैटरी को हम चेक कर सकते हैं, इसका वोल्टेज, बैटरी का हम वोल्टेज चेक करेंगे। वोल्टेज डीसी रेंज में हम मल्टीमीटर को रखेंगे, यहाँ पे आप देख सकते हैं डीसी 20 वोल्ट है, और इस समय बैटरी का जो वोल्टेज है वो हम चेक कर लेंगे कि बैटरी हमारी सही है कि नहीं। इसमें ये प्लस लिखा हुआ है, या फिर आप देख सकते हैं कि इसमें जो छोटा सर्किल है वो पॉजिटिव पिन होता है, तो ये हमारा आप देख सकते हैं ये पॉजिटिव ये नेगेटिव। इसके अलावा इसका वोल्टेज आपने देखा कि ये 9 वोल्ट आ रहा है, इट मीन्स कि ये चार्ज्ड है बैटरी। देन स्विच हमें यूज़ करना है, स्विच का काम कनेक्शन को इस्टेब्लिश करना या डिसकनेक्ट करना होता है, यानी जब ये 0 है तो डिसकनेक्टेड है, 1 मीन्स कनेक्टेड, जब ये ऑन होता है तो इसके ये दोनों टर्मिनल आपस में कनेक्ट हो जाते हैं, अगर ऑफ रहता है तो डिसकनेक्टेड रहते हैं। इसको आप चाहें तो मल्टीमीटर से चेक कर सकते हैं, अभी ये कनेक्टेड नहीं है क्योंकि ये ऑफ है, आप देख सकते हैं बीप कर रहा है मल्टीमीटर, इट मीन्स कि हमारा स्विच सही है। देन उसी तरह ये दोनों स्विच भी वर्क करते हैं, अगर आप पुश करके रखे रहेंगे तो ये दोनों आपस में कनेक्टेड रहेंगे, और छोड़ते ही ये डिसकनेक्ट हो जाएंगे। इनको मोमेंट्री स्विच कहते हैं, यानी जब तक हम प्रेस किए रहेंगे तब तक ऑन रहेंगे, अदरवाइज ऑफ हो जाएंगे। अभी आप देख सकते हैं ये ऑफ है, और जब इसे हम प्रेस करेंगे तो ऑन हो जाएगा, छोड़ते ही ऑफ हो जा रहा है। देन यहाँ पे अलग अलग रेजिस्टेंसेस लगे हैं, तो रेजिस्टेंस को चेक करने के लिए फॉर एग्जांपल यहाँ पे R1 और R2 दो रेजिस्टेंस है, तो इसको हम चेक कर लेंगे कि इनकी वैल्यूज़ क्या है। आपको जो मैनुअल मिला होगा उसमें आप देख सकते हैं ये दोनों 10 किलो ओम के रेजिस्टेंस है, और 10 किलो ओम के रेजिस्टेंस की वैल्यू आप कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, क्योंकि आपके पास बहुत सारे रेजिस्टेंस होंगे, तो उसमें कलर कोडिंग दिया होगा आपको, जो सर्किट डायग्राम जो कॉम्पोनेंट लिस्ट मिलेगा उसमें सर्किट उसमें एक कलर कोड दिया गया होगा, ब्राउन ब्लैक और ऑरेंज कलर, उससे आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं, अदरवाइज आप मल्टीमीटर से भी चेक कर सकते हैं। मल्टीमीटर से अगर हमें 10 किलो ओम का रेजिस्टेंस चेक करना है तो आप इन दोनों टर्मिनल को
से रखेंगे आप, दूसरा जो लेगा उसको हैंड से टच नहीं करना है, बॉडी के किसी पार्ट से इसको टच नहीं करना है, इसको सिंपली हमें इस टर्मिनल से टच करना है। तो आप देख सकते हैं ये ऑलमोस्ट 10 किलो ओम का रेजिस्टेंस है, थोड़ा बहुत एरर होता है। देन यहाँ पे 1 किलो ओम का रेजिस्टेंस है, उसी तरह हम चेक करेंगे। इसका जो कलर कोड होता है ब्राउन, ब्लैक और रेड होता है। देन एक कॉम्पोनेंट हमारा है जो इंडिकेटर है, एलईडी एज इंडिकेटर वर्क कर रही है यहाँ पे, और इसका काम केवल डिस्प्ले करना, इंडिकेट करना होता है। तो एलईडी के दो टर्मिनल होते हैं, और एलईडी का मतलब लाइट एमिटिंग डायोड होता है। डायोड की फंक्शनैलिटी आप जानते हैं, डायोड केवल एक ही डायरेक्शन में करंट को अलाउ करता है, दूसरे डायरेक्शन ब्लॉक कर देता है। यानी इधर से करंट जो भी आएगी वो इस तरफ फ्लो कर जाएगी, लेकिन इधर से कोई करंट ऐसे फ्लो नहीं कर सकती है। इसके सिंबल में भी आप देख सकते हैं ये जो लाइन एरो बनी है कैथोड को इंडिकेट कर रही है। यानी एलईडी के जो दो टर्मिनल होते हैं उनमें जिधर से करंट एंटर करती है उसे एनोड कहते हैं, यानी पॉजिटिव टर्मिनल, जिधर लीव करती है वो कैथोड होती है। तो करंट हमेशा एनोड से कैथोड यानी हायर वोल्टेज से लोअर वोल्टेज की तरफ फ्लो करती है। तो इसको लगाते समय हमें ध्यान रखना है कि इसका जो एनोड है वो इस तरफ रहेगा, कैथोड हमारा इस तरफ रहेगा, तभी यानी जो बड़ा वाला लेगा वो ऊपर रहेगा, छोटा वाला नीचे की तरफ। तो इसी तरह से हमें एलईडी को लगाना है। सारे कंपोनेंट्स लगाने के बाद आप इसको पावर अप करेंगे, और आप देख सकते हैं कि अभी स्विच हमारा ऑफ है और कोई भी एलईडी ग्लो, ये एलईडी ग्लो नहीं कर रही है। जब हम इसे ऑन करेंगे तो आप देख सकते हैं एलईडी ऑन हो गई, यानी जब दोनों इनपुट जीरो हैं तो एलईडी ऑन है। कोई भी इनपुट अगर हमने हाई किया तो आप देख सकते हैं एलईडी ऑफ हो गई, या फिर इसको हमने हाई किया तो भी एलईडी ऑफ हो गई। तो ये या फिर दोनों हाई है, दोनों अगर हाई हैं तब भी ये आप देख सकते हैं, यानी जब तक दोनों ऑफ नहीं होंगे तब तक एलईडी ऑफ नहीं होगी। कोई भी एक ऑन है तो एलईडी ऑन रहेगी, या दोनों ऑन है तब भी एलईडी ऑन रहेगी। तो इसे नॉर गेट कहते हैं, यानी ये और गेट का इन्वर्ट होता है। और गेट में कोई भी सिग्नल हाई होता है तो आउटपुट हाई होता है, इसमें कोई भी सिग्नल लो है तो आउटपुट लो हाई है। यहाँ पे आप देख सकते हैं फिर से, इसमें ये लो है, ये लो है, दोनों दोनों हाई हो गए। तो ये एज ए नॉर गेट वर्क कर रही है।